निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे वी लर्न इंग्लिश आओ अंग्रेजी सीखें। पार्ट उन्तीस आज हमारे विशेष अभ्यास का पांचवा दिन है पिछले पार्ट के कुछ अंश पहले सुनते हैं और फिर सब एक साथ अभ्यास करेंगे ऐसा करते हैं कि तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है इसके बारे में अंग्रेजी में बात करते हैं अच्छा पहले ये तो बताओ कि बस्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्कूल बैग राइट स्कूल बैग अब बताओ तुम्हारे स्कूल बैग में क्या क्या है डू यू हैव अ पेंसिल इन योर स्कूल बैग धीरे 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 एक एक करके जवाब दो ठीक डू यू हैव अ पेंसिल तुम बताओ रेखा यस यस आई डू डू यू हैव अ पेन इन योर स्कूल बैग नो आई डोंट डू यू हैव अ नोटबुक यस आई डू हाउ मेनी नोटबुक्स डू यू हैव आई हैव सेवन नोटबुक्स अब मैं पूछूंगी तुम्हारे बस्ते में क्या है कोई अंग्रेजी में सारी चीजों के नाम बताएगा मैं मैं बताऊंगी ओके okay, रंजना वॉट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग आई हैव अ पेन टू पेंसिल्स फाइव बुक्स फोर नोटबुक्स अ रोलर अशार्पना टू रबर्स गुड इस भाग में पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आप फिर से सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में सुविधा रहे शो मी द ब्लैक बोर्ड शो मी द टेबल शो मी द चेयर ओपन The door. Open the window. Shut the door. Shut the window. Stand up. Sit down. Clap your hands. Do you have a pencil? No, I don't. Do you have a cycle? Yes, I do. How many books do you have? I have five books. सुनने वाले दोस्तों अब आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहां भी हूं मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी बच्चों आज तुम कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का अभ्यास करोगे जिनका प्रयोग तुम अपनी कक्षा में कर सकोगे एक खेल से शुरू करते हैं ठीक है तो सुनो जब घंटी बजेगी तो टीचर जी किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे मैं अंग्रेजी में उस बच्चे को एक आदेश दूंगी सब ध्यान से सुनना फिर जो बच्चा खड़ा है वो ही दिए आदेश को करके दिखाएगा टीचर जी बताएंगे कि सही किया या नहीं एक बात याद रखना तुम्हें सिर्फ दस सेकेंड का समय मिलेगा एक बच्चा खड़ा हो गया क्या आदेश ध्यान से सुनो और फिर फटाफट वैसे ही करना तैयार तो सुनो शट द डोर दूसरा कोई बच्चा तैयार शट द विंडो अब कोई और तैयार शो मी योर स्कूल बैग <स्थाथ> कोई और तैयार ओपन योर बुक कोई और तैयार शो मी रूलर। खेल खत्म किस किस ने सही क्रिया की इन सब के लिए तालियां बजाएं। अब इस तरह से अभ्यास करते हैं पहले जोड़ी बनाते हैं फिर जोड़ी का कोई एक बच्चा एक प्रश्न अंग्रेजी में पूछे दूसरा अंग्रेजी में उत्तर दे क्या तुम्हारे पास पुस्तक है या क्या तुम्हारे पास पेन है कोई भी चीज जिसका नाम तुम्हें अंग्रेजी में मालूम है उसके बारे में ऐसा प्रश्न अंग्रेजी में ही पूछना है डू यू हैव अ पेन चलो सब एक साथ मेरे बाद ये प्रश्न बोलो डू यू हैव अ पेन डू यू हैव अ पेन या डू यू हैव ऐसे प्रश्न एक बच्चा पूछे और दूसरा उत्तर दे अंग्रेजी में ही ठीक है शुरू करो गुड यस आई डू या नो आई डोंट ऐसे उत्तर तुम दे पाए ना वेरी गुड अब कोई और दो बच्चे खड़े हो गए तुम्हें भी प्रश्न पूछना है पर भाई या बहन के बारे में तुम्हारे कोई भाई हैं? डू यू हैव अ ब्रदर या डू यू हैव अ सिस्टर दूसरा बच्चा उत्तर दे शुरू करो अब कोई और दो बच्चे खड़े हों खड़े हो गए अब ध्यान से सुनो हाउ मैनी यानी कितनी या कितने तो तुम में से एक बच्चा हाउ मैनी का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जैसे हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं और दूसरा अंग्रेजी में ही उत्तर दे उत्तर आई हैव से शुरू करना है ठीक है तो फिर शुरू करो कोई और दो बच्चे खड़े हो गए ऐसा ही प्रश्न अब बही के बारे में पूछना है हाउ मैनी से प्रश्न शुरू करना है शुरू करो वेरी गुड अब सब बच्चे जरा ध्यान से सुने मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद घंटी बजाऊंगी हर घंटी के बाद टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे जो भी चीज उस बच्चे के पास है वो उसे दिखानी है और इस तरीके से एक वाक्य बनाना है आई हैव वन रूलर या आई हैव थ्री पेंसिल्स आई हैव टू शार्पनर्स ऐसे और जल्दी जल्दी हाँ समझ गए ना वाक्य को आई हैव इससे शुरू करना है हर घंटी के बाद सिर्फ पांच सेकंड मिलेंगे वाक्य बनाने के लिए और फिर अगले बच्चे के लिए घंटी बच जाएगी तैयार शुरू करें वेरी गुड हर घंटी के बाद अलग अलग बच्चों ने सही वाक्य बनाए ना